संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण में हमने पंचमी विभक्ति की शुरुआत की थी। आज उम्मीद करूंगा मैं कि आज अंतिम हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती हैं चीज़ें। मैं सूत्रों को छोड़ नहीं रहा हूं एक भी, क्योंकि बार बार छोड़ने से जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन करने वाले, वास्तविक अध्ययन करने वाले, जिनको कुछ चाहिए तो उनको फिर कहीं कुछ मिलता नहीं है। और मुझे संस्कृत के अध्यापक भी ऐसा लग रहा है कि धीमे 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 मैं गुरुकुलों में देखता हूँ, संस्कृत की कोई सरकार भर्ती ही नहीं कर रही है, तो संस्कृत के अध्यापक भी धीमे धीमे कम होते गए हैं। जहाँ से मैंने अध्ययन किया है वहाँ भी कोई अध्यापक नहीं थे। जब हम पढ़ते थे तब भी अध्यापक नहीं थे। ये हमारे साथ भी हुआ है। ये दुर्घटना घटी है, ये कैसे घटी है ये सरकार ही जाने। सरकार ने क्यों इस पर ऐसा किया है? उत्तर प्रदेश के तो लगभग सभी विद्यालय संस्कृत जो विद्यालय हैं उनमें भर्ती करने का नाम ही नहीं लेते ये लोग। खैर, वो हमारा विषय नहीं है, वो राजनीति का विषय है, हमारा अध्ययन का विषय है। तो हम पंचमी विभक्ति पे चलते हैं। पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति में हम लगभग तीन सूत्रों को बताएंगे, प्रयास करेंगे उनको समझाने का। एक सूत्र हमने सप्तमी विभक्ति से भी लिया है, क्योंकि ये तीनों सूत्र अष्टाध्यायी में क्रम से हैं। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि जो क्रम से हैं उनको क्रम से समझाने का प्रयास करूँ। सप्तमी विभक्ति में हम दोबारा से उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उलझाव वाले हैं। ये तीनों सूत्र लगते एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, दोनों सूत्रों में उन शब्दों से पंचमी और सप्तमी पंचमी का प्रयोग किया जा रहा था, कहीं शब्द होने मात्र से अन्य शब्दों से, तो ऐसे ही यहाँ है। तो एक सूत्र ले लेते हैं। दूरांतिकार्थई षष्ठ्य नेतरस्याम, सूत्रों में अन्य तरस्याम आपने बहुत देखा होगा, और चा, इन दोनों को बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। अन्य तरह से हम कभी तो ये समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे चाह कभी तो समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी ये विकल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, दूरांतिक षष्ठी अन्यतरस्याम, ठीक है। दूरांतिकार्थई षष्ठी अन्यतरस्याम, है ना। दूरांतिक, षष्ठी और अन्यतरस्याम, हमने यहां लगभग सभी ले लिए हैं, अर्थ ही छोड़ दिया है इसमें, वो बात देखेंगे। इसमें देखिए, दूर और अंतिक अर्थात समीप, इसका अर्थ क्या होता है? समीप, अर्थ वाले, है ना, ये है ना, अर्थ वाले शब्दों के साथ या योग में, इसमें पूरा आएगा, यहां लिख दूं मैं, अर्थ वाले या अर्थवाची शब्दों के, अब तृतीया है तो मैं योग ना लगा के साथ ही लगाता हूं, हालांकि योग शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, साथ में, ठीक है। इतना ही छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखेंगे। ये षष्ठी क्या है? ये विभक्ति है। अन्यतरस्याम से यहां विकल्प से, अन्यतरस्याम का मतलब है विकल्प। अब ये जो सूत्र है, हम पढ़ तो यहां पंचमी में रहे हैं, इसमें षष्ठी विभक्ति के लिए प्रयोग की गई है। अब थोड़ा सा यहां देखने की है, विकल्प जो शब्द प्रयोग किया गया है वो षष्ठी के लिए है, याद रखना इस बात को, और पक्ष में पंचमी ही होगी, है ना। तो ये अब थोड़ी सी व्याख्या करूं तो हम आगे चल पाएंगे इसमें। दूर अंतिक, दूर और अंतिक अर्थात समीप, अर्थवाची शब्दों के साथ आने वाले जो शब्द हैं, या अब लगा देता हूं थोड़ा सा मैं, आने वाले शब्दों
आने वाली जो शब्द हैं उनसे पंचमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। अब पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ये इनके विकल्प में है, अन्यतर सम का मतलब विकल्प है, यहां कोई मतलब नहीं है इनका, बस याद रखना विकल्प से षष्ठी होती है, पक्ष में पंचमी होती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस सूत्र से विकल्प से कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी या षष्ठी, ये मैं हर सूत्रों में लगभग व्याख्या करता हूं, ये बहुत आता है प्रश्न कभी कभी। चा के बारे में पूछ लेता है कि चा से क्या है, चा क्या है, चा से क्या, कौन सा सूत्र को लिया गया है, ऐसे भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो दूर और अंतिक जो समीप, अंतिम मतलब समीप अर्थवाची जो शब्द हैं उनके योग में आने वाले शब्दों से पंचमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। विकल्प से षष्ठी होगी और पक्ष में पंचमी होगी। तो समझ में आ गया होगा ये। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, गांव से या गांव के दूर, ठीक है। अब यहां पर गांव से या गांव के दूर, दूर शब्द का प्रयोग हमें मिल गया, तो कह रहा है ये कि दूरवाची और समीपवाची जब भी शब्द हों उनके साथ आने वाले शब्द से षष्ठी या पंचमी का प्रयोग कर लिया जाता है। तो हम पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पंचमी का यहां प्रयोग करेंगे, विकल्प से हम षष्ठी का भी जानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्रामाद दूरम, है ना। और विकल्प से क्या बन जाएगा, ग्रामस्य दूरम, ठीक है। अब इसको कह, इसको ही हम ऐसे प्रयोग कर लें, गांव के पास या गांव से, गांव के, गांव से पास या गांव के पास, तो क्या आ जाएगा, ग्रामाद, यहां लिख दूं इसको मैं, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा क्या है ये, गांव के पास, ठीक है। तो ग्रामाद अंतिकम या ग्रामस्य अंतिकम, ठीक है। तो हमने इस सूत्र के द्वारा ये जाना कि दूर और समीप पास जो शब्द हैं मात्र उनके होने से, गांव के पास ये दिख रहा होगा आपको, गांव के पास बोल भी रहा हूं मैं, तो उनके होने मात्र से उन शब्द से जो शब्द हो रखे हैं उनके साथ वाक्य में आए हुए हैं पंचमी और षष्ठी का प्रयोग कर लिया जाता है। इसी के जैसा है, दो सूत्र और हैं, मैं उनको और समझाने का प्रयास करूं, बस इसमें इतना ही है, अधिक समझने के लिए नहीं है, उलझाव होता है वो ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, केवल एक सूत्र है इतना ही मिटाऊंगा, उसके बाद समझ में आ जाएंगी पूरी बातें, ठीक है। दूरांतिक कार्थेभ्यः द्वितीया च, बिल्कुल एक जैसा ही है, दूरांतिक, ठीक है ना। अब द्वितीया च वो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, च से यहां पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं, दूरांतिक का मतलब वही दूर और अंतिक समीप, ठीक है। दूर और अंतिक इन दो शब्दों, पहले भी ये शब्द प्रयोग हुए थे और अब फिर दोबारा से ये शब्द प्रयोग हुए हैं, अब यहां थोड़ी सी बातें बदल गई हैं। ये कह रहा है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया चा, उसमें तृतीया का प्रयोग किया गया था, इसमें पंचमी का प्रयोग किया गया, से और इसके साथ आने वाले, इसमें प्रयोग किया था हमने, इसके साथ आने वाले शब्दों से षष्ठी और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। यहां इन्हीं शब्दों से, दूर और अंतिक शब्दों से द्वितीया पंचमी का प्रयोग किया जाता है, चा से यहां तृतीया का भी प्रयोग किया
किया जाता है। देख लेते हैं, चार से पंचमी भी है और चार से यहाँ पंचमी का प्रयोग किया जाता है और तृतीया का भी प्रयोग, इसमें सारी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ये लिए हैं। दूर और अंतिक शब्द में पहली और चौथी छोड़ करके सारी विभक्तियों को प्रयोग में करते हैं। तो हम के उसको उदाहरण देखते हैं, फिर आगे समझ में आ जाएंगी बातें। उदाहरण हम वही लेंगे गांव के दूर या गांव से दूर, ठीक है। अब यहां एक चीज और बताता चलूं, जैसे मैंने बताया था ना चा, चा के बारे में मैंने बताया था, कभी समुच्चय के अर्थ में आता है, कभी विकल्प के अर्थ में आता है। तो यहां ये समुच्चय के अर्थ में आया है, चा से यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये मैंने बताया था आपको। इसमें पंचमी का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो यहां कौन सी प्रयोग हो जाएंगे अब, और इसी से चा से यहां पर षष्ठी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहां कितनी है कि विभक्तियां, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, ये चार विभक्तियां हमने इसमें सूत्र में चा के माध्यम से ली। समुच्चयार्थ है, याद रखना, विकल्प नहीं है, समुच्चयार्थ है। समुच्चय में समूह के रूप में ये प्रयोग किया गया है। तो क्या बन जाएगा, हमने दूर शब्द के साथ में इस सूत्र के द्वारा जाना था कि आने वाले जो भी शब्द हैं उनसे पंचमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा सूत्र कह रहा है कि ये जो दूर शब्द है और अंतिक शब्द है उससे सारी विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं, पहली और चौथी छोड़ करके। तो हम पहले लिखेंगे पंचमी का प्रयोग करेंगे ग्रामाद, ठीक है, ये तो हम इस सूत्र से प्रयोग कर देंगे इसमें। अब दूरम द्वितीय का प्रयोग करेंगे, ये वाले द्वितीय से ग्रामा दूरम, ठीक है। फिर तृतीय दूरेण, फिर पंचमी दूरात, फिर षष्ठी दूरस, ठीक है। तो गांव में हमने पंचमी जो लगाई है वो इस सूत्र से लगाई है, इतना ध्यान रखना है। और दूरांतिकार्थेभ्य द्वितीय चा सूत्र से ये दूर शब्द में प्रयोग की गई है, इसलिए यह उलझाव वाला था। मैं कह रहा था ना, थोड़ा सा उलझाव है। यहां दूर शब्द के साथ आने वाले शब्द से मात्र दो विभक्ति होती है, षष्ठी और पंचमी, और दूर शब्द से और अंतिक शब्द से द्वितीय, तृतीय, पंचमी और षष्ठी होती है। अगला सूत्र देखेंगे तो और इसमें बढ़ जाएंगी। तो यहां हम अंतिक शब्द यानी समीप शब्द भी ले सकते हैं, ठीक है ना। समीप शब्द लेंगे तो क्या बन जाएगा, अब यहां ग्रामात है तो ग्रामस भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। यहां मैं ग्रामस कर दे रहा हूं, अब मैं ग्रामस से बनाता हूं इसको, ठीक है, फिर ग्रामात कर देंगे। ग्रामस अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिकस्य, है ना। तो हमने यहां देखा ये जो ग्रामस्य है इसमें दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यत्रस्याम सूत्र से षष्ठी का प्रयोग किया गया है, यहां हम पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामाद, ठीक। और ये अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिकस्य, ये दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय चा सूत्र के द्वारा प्रयोग की गई है। अब पूछ लेगी ये चा से क्या है, तो चा से याद रखना है आपको तृतीय, पंचमी और षष्ठी विभक्ति को लाया गया है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी का एक सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होने वाला सूत्र और लेते हैं, ये अष्टाध्यायी में क्रम से है, ठीक है। चलिए इनको मैं मिटा दूं और इनको हम रहने देंगे, केवल इसको मिटाते हैं, इसको भी रहने दीजिए, हम नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सूत्र है सप्तम्यधिकरणे चा, ठीक है। यहां पर जो चा है, पहले तो इसको देख लो थोड़ा सा, सप्तमी ठीक है, अधिकरण और चा, ये तीन है। जब मैं सप्तमी व्यक्ति का इसमें अध्ययन कराऊं, छठ में हम सीधे पंचमी व्यक्ति से सीधे सप्तमी व्यक्ति पर चलेंगे।
हम षष्ठी विभक्ति का बाद में अध्ययन करेंगे, कर्म प्रवचनियों के भी बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक सूत्र है शेषे षष्ठी। जब सब कुछ हम अध्ययन कर चुके होते हैं, सारे अनुवाद सीख चुके होते हैं, उसके बाद में जो प्रयोग की जाती है, जो नियम प्रयोग किए जाते हैं, वो षष्ठी में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए मैं इसलिए यहाँ पर षष्ठी का ही अध्ययन नहीं कराऊंगा, सप्तमी का सीधे अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो सप्तमी है, अधिकरण में सप्तमी होती है, इस सूत्र का एक तो ये मतलब है, अधिकरण में सप्तमी होती है, और चा से इस सूत्र को ले लिया गया है ना, दूरांतिकार्थेभ्यो, अर्थात दूर और अंतिक शब्द से भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। चा से क्या है, यहां लिख दूं, दूर और अंतिक जो शब्द हैं, शब्दों से सप्तमी, ठीक है। तो यहां जो चाहे दूर और अंतिक शब्दों से सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बार बार उसी चीज को समझाओ, एक ही चीज है, हमने इसको समझ लिया, ग्रामस्य ग्रामाद, ग्रामस्य ग्रामाद, तो दूरांतिकार्थेभ्यो षष्ठी अनत्तरस्याम सूत्र के द्वारा प्रयोग किया जाता है पंचमी और षष्ठी का, और दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय चा सूत्र से दूरम दूरेण दूरा दूरस्य, ये चार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और अब यहां पर हम प्लस कर दे रहे हैं, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाई दे रहा हूं, दूरे, ठीक है, और अंतिके, दूरे और अंतिके, यानी द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी सप्तमी, ये पांच विभक्तियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। अब इसका हम सप्तमी में अध्ययन करते तो सप्तमी को समझते या इनको समझते, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे समझ में सहज नहीं आती थी, फिर मैंने इनको इकट्ठा किया और अष्टाध्याय के माध्यम से अध्ययन किया तो एकदम बिल्कुल दिमाग में साफ होता चला गया कि ये केवल दूर और अंतिक शब्द के साथ आने वाले शब्दों से पंचमी और षष्ठी का प्रयोग करता है, विधि का विधान करता है, और ये दूरांतिकार्थेभ्य, उन दूर और अंतिक अर्थात समीपवाची जो शब्द हैं, केवल दूर अंतिक ही शब्द को मत लेना, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें, ठीक है, और उन सभी जो भी समीप और दूर के लिए जो भी शब्द हैं, इनके पर्यायवाची जो भी शब्द हैं, उन सबसे ये और ये सप्तमी अधिकरण चा, अगर सप्तमी का प्रयोग देखा जाएगा तो हमें याद रखना है सप्तमी अधिकरण चा सूत्र के द्वारा, ठीक है, पूछ लिया जाएगा इसमें जो सप्तमी का प्रयोग किया गया है दूरे अंत के, तो किससे, सप्तमी अधिकरण चा सूत्र के द्वारा। चा क्या है, चा दूरांतिकार्थेभ्यो, इस सूत्र के द्वारा दूर और अंतिक शब्दों को लाता है, इसलिए ये चा का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होंगी, आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश कर रहा हूं धीमे 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 सारे विषयों को अध्ययन कराने का, अब कोशिश करेंगे हम संज्ञा प्रकरण खत्म होते ही ऋग्वेद प्रातिशाख्य जो है बहुत ही सरल है, बिल्कुल जैसे संज्ञा प्रकरण है विधि सेम उसी की तरह ही है, उसमें भी संज्ञा प्रकरण है पूरा जो आता है नेट वगैरह में जितने में, तो उसका अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य की कोशिश करेंगे, जल्दी से प्रयास कर रहे हैं हम उनके वीडियो शुरू करने का, तो हमारे पास थोड़ा सा समय कम मिलता है, अन्यथा हम एक वीडियो रोजाना की डालते तो हमें जल्दी से जल्दी हम इनको कवर कर पाते, विषय बहुत विस्तृत है, छोटा विषय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।